हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चनास विलेज किचन में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हलवा रेसिपी के बारे में। ये गाजर का हलवा है जो कि हर किसी को बहुत पसंद आता है और मैं इसे कुकर में बनाऊंगी। तो आप भी देखिए कि ये डेलीशियस और यम्मी हलवा मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ पर गाजर को हमने धो के साफ करके और कद्दूकस करके ले लिया है और गाजर को हमने कुकर में भर दिया है और कुकर में हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है और इसमें हम डालते हैं ये गुड़ और गुड़ को डाल के हम इसे दो सीटी आने तक इसे पका लेंगे ढक्कन लगा देके। और जब तक हमारे गाजर में सीटी लगती है और तब तक हमने ये कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम डालेंगे ये है फुल क्रीम दूध और इसे हम डाल के इसमें गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे। इसे जब तक पकाएंगे कि जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो गया और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब और इसे हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे दूध को अपने इस तरह से। और दूध हमारा आधा से ज़्यादा गल चुका है, सॉरी गल चुका है बोल रहे हैं, आधा से ज़्यादा दूध जल चुका है और इस तरह से गाढ़ा हो गया है। ये हमारा घर का दूध है इसलिए और इसमें क्रीम अधिक निकलती है। तो अब हम थोड़ा सा और इसे गाढ़ा कर लेते हैं और यहाँ हमारे गाजर ने भी सीटी लगा ली है देखिए इस तरह से। और गाजर हमारा बिल्कुल गल चुका है देखिए। और ये गुड़ को हम मिला देंगे देखिए कितना अच्छा गला है। इसमें पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला था। इस तरह से अगर आप गाजर को पहले ही कुकर में ऐसे ही सीटी लगा लेंगे तो फिर आपका हलवा बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। और यहाँ हमने ड्राई फ्रूट्स में लिया है, बादाम लिया है, काजू लिया है और यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश ली है। आप अपनी इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे हम पीस लेके तैयार कर लेंगे, हल्का दरदरा पीसेंगे इसे हम। तो देखिए दूध हमारा एकदम से गाढ़ा हो गया है, खोया कंडीशन में है लेकिन अभी पूरी तरह से खोया नहीं बना है। और ये देखिए हमारा जो गाजर हमने उबाला था इसमें गुड़ डाल के इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो हम इसको अब इसमें डाल देंगे और डाल के हम इसे मिला लेते हैं अच्छी प्रकार से सही से दिख। तो देखिए इसे हमने मिला लिया इसके साथ और इसमें अब हम डालते हैं ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीसे थे, काजू और बादाम थे, और इसे हम इसमें डाल देते हैं। और इसके साथ ही हमने इसमें ये हमने छोटी इलायची के दाने हैं और जिसे हमने कूट कर लिया है तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और इसे डालने के बाद हमने तो वैसे गुड़ डाला हुआ था और अगर मीठा कम लगे तो आप थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दीजिएगा। तो हम इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और इसके साथ ही हम इसमें ये किशमिश है और इसे भी हम इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को डाल के इस तरह से मिलाते हुए हम और थोड़ी देर चलाते हुए इसे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मिलाने के बाद इसे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पका लिया और देखिए कितना जल्दी हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। अगर इस तरह से आप इस ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत जल्दी बन के तैयार होगा और बहुत कम समय में भी बन जाएगा और बहुत टेस्टी भी लगेगा खाने में। और देखिए इसके नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है, हलवा हमारा सूख चुका है, इसका मतलब हलवा हमारा पक गया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। एक चीज़ सबसे ज़रूरी इसमें बच गई है, वो हम अभी इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे ज़रूरी जो था ये घी था और इसमें हम थोड़ा घी भी डाल देंगे, घी से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और घी को डाल के ऐसे हम मिला लेंगे, मिला के चला लेंगे इसमें ताकि घी हमारा गल जाए। तो फ्रेंड्स मेरा हलवा बनाना आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर भी कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी का निशान होगा उसे भी प्रेस कर देना। और फ्रेंड्स
मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।